रमो अहंकारम, रमो सिद्धारम, रमो वैर्यारम, रमो अध्यायारम, रमो लोई सवसाकुलम, शुद्धात्मान मुनिकांतम साधम मंगलम। वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जैत शासनम। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोता ही आते भरे अरहंताज महान। कोई ऐसा विचार करे कि ज्ञान का साधन कुछ अलग है और सुखी होने का साधन कुछ अलग है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान का साधन पढ़ना लिखना है, देश अटन करना, घूमना फिरना, गुरुजनों की सेवा करना, ये ज्ञान का साधन होगा और सुख का साधन अपना खाना पीना उठना बैठना। अरे देखो भ्रांति है। क्यों ऐसा लगता है? न ज्ञान के स्वरूप की खबर है न सुख के स्वरूप की खबर है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानता है और सुख के सुख को इंद्रिय सुख को सुख मानता है। जो लोक में कहावत कही जाती है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जा, जो तू सींचे मूल को फूले फले आधार। वह एक है साधे माने चाहे किसी एक को साधना नहीं, अहम एक को चाहे किसी एक को साधने से नहीं, एक ज्ञायक भाव की साधना आराधना करने से सर्व सिद्धि होती है। साधना माने सर्व ओर से उपयोग को समेट कर एक ज्ञायक भाव में लगाने से प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता के लिए ज्ञायक भाव में लगाने के लिए पर सर्व सिद्धि होती है। ये तो अनंत चतुष्टय की चर्चा है, कलश टीका में दो ज्ञान और सुख की चर्चा है, है? शुद्ध जीव के जानने पर ज्ञानन हारे को ज्ञान भी होता है सुख भी होता है। ज्ञान में दर्शन अंतर्गर्भ समझ देना और बल भी समझ लेना, ऐसे अनंत चतुष्टय समझ लेना। अब जानने पर जानन हारे को ज्ञान सुख होता है, अब उसी में रमने पर शुद्ध जीव में उपयोग रमने पर लीन होने पर फिर हो जाने पर अनंत ज्ञान अनंत सुख होता है। देखो जानने पर ज्ञानन आर्य को ज्ञान सुख होता है और उसी आत्मस्वरूप में रम जाने पर लीन हो जाने पर फिर हो जाने पर मग्न हो जाने पर अनंत ज्ञान और अनंत सुख होता है। मिथ्या कल्पना छोड़ देना, ज्ञान का साधन कुछ और है, सुख का साधन कुछ और है, बल का साधन कुछ और है, प्रभुता का साधन कुछ और है, अन्य 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 समझना, ये बहिरात्म दशा है, मोद है। निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का नाश करके जैसे सत्यनर राजा को मारकर
काष्ठांगार ने उस पर राज्य पर कब्जा कर दिया, राजा बनकर बैठ गया, और जीवंधर ने उसे जीत कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर दिया। ऐसे अनादिकाल से मोह ने कसाय ने तेरे ज्ञान सुख को घाटा, अब निज स्वभाव साधन द्वारा निज बल को बढ़ाकर पुरुषार्थ द्वारा सने कसायों को जीत लिया और अपना अनंत चतुष्टय रूपी साम्राज्य वैभव प्राप्त कर लिया। कल इसी में से एक चर्चा अंतिम अंतिम में कही थी, क्या कही थी, देखो भाई या तो शत्रु का सावधान होकर के शत्रु का नाश करो और नहीं तो शत्रु तेरा नाश करेगा, उसमें क्या बात। समाधि मन की पंक्ति बोलना गद्य जी, सयाने पुरुषों की ये रीत है कि वे शत्रु के आने से पहले सावधान होते हैं, मृत्यु के आने से पहले सावधान हुए हैं। समाधि मन की ये प्रसंग है ना, मृत्यु के आने से पहले सावधान हो गए। कैसे सावधान हो गए भैया, कि मृत्यु के समय जो छूट जाएगा उसे उन्होंने पहले से ही म्यारा जान लिया है, उससे ममत्व छोड़ दिया है। दृष्टांत दिया था याद है इस प्रसंग में, कोई अन्य प्रसंग में, दिल्ली में लूट मार, दूसरा राजा आया तो उसने लूट मार चालू की, और लूट मार के प्रसंग में अब वो घर में गृह चैत्यालय और अपनी दर्शन पूजन करके उसने कहा अब सब लोग तो भाग गए, कहा हम भगवान को भगवान की पूजा छोड़ कर कहाँ भगे, ये लुटेरे धन के ही तो लुटेरे हैं, तो धन को आंगन में ढेर लगा दिया और स्वयं अपने जल भर करके चंदन पूजा अपनी सामग्री बनाने लगा पूजा करने के लिए। तब तक लुटेरे घुसे, उन्हें देखो भैया आप डरो ले जाओ हमको भगवान की पूजा कर, तो ऐसे रहेंगे जी क्या, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, हो सकता क्या, सामने है ना। अरे भगवंतों के भक्त ऐसे ही होते हैं, दास भगवंत के उदास रहे, जगत सो मने परिग्रह सो देह सो भोग सो संयोग सो पद प्रतिष्ठा सो दास भगवंत के उदास रहे। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्या करके अपने सरदार से कहा राजा से वो ऐसा है ऐसा अच्छा दिल्ली पर ये लूटने के लिए उसका कहा हाथ नहीं लगाना कोई दो खड़े कर दिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं उस धर्मात्मा के हृदय में कैसी निर्ममता, सावधान, सावधान का मतलब धन चाहिए धन ले आओ। ऐसे ही समाधि मन में क्या लाइन लिखी, मृत्यु देह की ग्राहक है, मेरे से थोड़ी आत्मा का थोड़ी ग्रहण कर, और मृत्यु में देह का भी घात नहीं होता, देह का वियोग होता है, देह का परिणाम है परमाणु परमाणु सब धूल बनकर के उड़ जाते हैं, राख बन जाती है, गैस बन करके अलग निकल गई, हड्डी वड्डी ये बड़ी नहीं, परिणाम नहीं तो हुआ, वही फिर खेतों में पड़ गई, फिर वनस्पति हो गई, फिर रोटी दाल साग भात बन गई, फिर शरीर बन गई, खुद करके परिणाम नहीं, ये द्रव्य का नाश तो होता नहीं, मैं मुझे क्या कर। पहले से ही सावधान होना चाहिए, अब आग आए जब झोपड़ी जरन लागे कुआ के खुदाए तब कौन काज करे,
जब आग लग जाए तब कुआ खुदाओ, तो तब तक तो झोपड़ी जल ही जाए। अंतिम समय के लिए धर्म का कार्य छोड़ो ऐसा नहीं, अभी समय लेना चाहिए। तो ये सयाने पुरुषों की, वीर पुरुषों की ये नीति है, वे शत्रु को सिर नहीं उठाने देते, वे पहले ही यही सावधान। और जो पहले सावधान नहीं होते हैं वे फिर धोखा खाएंगे, पीछे पछताएंगे। तो यहां क्या कहा, भैया तो मान को तुम नाश हो, नहीं तो मान तुम्हारा नाश करेगा। मुख्य रूप से दो ही बात है, या तो लोभ को तुम छोड़ो, नहीं तो लोभ तुम्हारा नाश कर लेगा। लोभ में फंस करके क्या दशा होगी, या तो क्रोध को तुम नाश हो, नहीं तो क्रोध तुम्हारा नाश कर देगा। तो नाशने का अर्थ लड़ने जाना नहीं है। ये जो वीरता है, पराक्रम है, ये पराक्रम हिंसात्मक नहीं है, क्रूरता रूप नहीं है, ये सहजता और शांतता रूप है। जगत के जीव वीरता माने क्या मानते, बहादुरी, गोली का जवाब, गाली का जवाब गोली से, तो ये कोई वीरता है? अरे गोली का जवाब भी गाली से न देवे, गाली सुन मन खेद न आवे, इसका नाम वीरता है। नई स्वभाव साधन द्वारा कैसा आत्मा, क्यों साहब काय काय का साधन है आत्मा, आत्मा काय काय का साधन है कि देखो आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों का परिणमन है, स्वाभाविक परिणमन है, तो उन सबका साधन आत्मा ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे एक दृष्टांत तुम्हें याद हो, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, 96,000 रानियों का एक पति, एक पति चक्रवर्ती, अलग अलग नहीं, एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियों, लेकिन 96,000 रानियों का एक स्वामी है, एक पति है। ऐसे एक धर्म में अनंत गुण पड़े, अनंत धर्मात्मा, लेकिन अनंत धर्मों का धर्मी एक है। अब वो चक्रवर्ती पटरानी की प्रसन्नता का कारण कौन, और दूसरी दूसरी रानियों की प्रसन्नता का कारण कौन, बोलो, यही कोई है। तो ऐसे जितने गुण हैं और जिनके जितना पन मन है, उन सबका कारण साधन एक है। शास्त्रीय भाषा में अपन बोले तो देखो, एक ज्ञायक भाव के आश्रय से उन सर्व गुणों का निर्मल परिणमन होता है। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सर्व गुणों का निर्मल परिणमन, अलग अलग नहीं करना पड़ता। जैसे मैं मूल को सींचने पर पत्ते डाली और फल फूल को अलग से नहीं सींचना पड़ता अपने आप। एक मेन स्विच को खोल तो सब अलग अलग नहीं खोलने, सब खुल गए, उसे बंद करो सब बंद हो गए। लौकिक में भी ये सारी पुद्गल की परिणमन देखने में आते हैं, तो यहाँ चित्रम की मात्रा। अब नए स्वभाव साधन का क्या अर्थ हुआ, सिद्ध भगवान के स्वरूप में कोई दूसरा शब्द लिखा के नहीं बता, तो ये अलग अलग क्या हो गए, ये तो अलग अलग हो गए। सिद्ध होने का रास्ता अलग और अनंत होने का रास्ता अलग, क्या है?
मुनि धर्म साधन द्वारा। और ऊपर क्या लिखा, तो ये क्या मतलब, निस्वभाव साधन है तो साध की सिद्धि क्यों नहीं होती। निस्वभाव का लक्ष्य नहीं है तो निस्वभाव का साधन क्या मतलब, अर्थ क्या हुआ, निस्वभाव की आराधना उसका साधन, और निस्वभाव की आराधना वही मुनि धर्म है। वो पर्यार्थिक न्याय की प्रधानता है, वो द्रव्य न्याय ऐसे निस्वभाव साधन द्वारा, यहाँ का मुनि धर्म साधन द्वारा, वहां का ग्रस्तपना, यहाँ का ग्रस्त अवस्था, भाई शब्द आते हैं शायद भाव का बराबर समझना चाहिए। ग्रस्त अवस्था का मतलब भी ग्रस्ती के लक्ष्य होने वाली अपनी अवस्था, वहां ग्रस्ती, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, उसको लक्ष्य ममत्व का परिणाम। जैसे लौकिक में कहते ना, ये जो तू कमाई करता है वो लोहे की तिजोरी में गई, बैंक में गई, लॉकर में गई, मने वो लोहे की तिजोरी में गई, तेरी तिजोरी में क्या है जी बता, तेरी परिणाम न करोड़पति हो गया न लखपति गया, स्त्री स्त्री में, पुत्र पुत्र में, माता माता में, पिता पिता में, भाई भाई में, पुत्र बहन बहन में, पुत्री पुत्री में, सब अपने अपने में, जड़ चेतन अपने अपने में, तेरी में क्या, ये मेरा ममत्व, इसका नाम है ग्रस्तपना। ग्रस्तपना माने ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका करता हूं, ये मेरे कार्य है, ये मेरा का, मैंने बनवाया, मैंने कमाया, इनको मैंने बुलाया है, मैं रखा रहा हूं, मैं पाल पोस रहा हूं, मैं ये मेरा भोग्य है, मैं इसका भोगता हूं, ये मेरा कुर्ता है, मैं ये मेरी कमीज है, ये मेरा कमरा है, ये मेरे चेतना, ये सब ये ग्रस्त अवस्था का ग्रस्त बना का निस्वभाव साधन कहो या मुनि धर्म साधन कहो, कोई बात नहीं, एक ही बात, रत्नत्रय को साधन कहे तो कोई बात नहीं, संबंध निजरा को साधन कहे तो कुछ बात नहीं, विविक्षा भेद है निस्वभाव साधन। तो प्रश्न आया कि महाराज निस्वभाव साधन द्वारा जब अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है चार घाती कर्म का वाह होकर, तो निस्वभाव तो है क्यों नहीं हुआ, है तो होने मात्र काम थोड़ी चलता है। जैसे किसी के पेट में भयंकर तकलीफ थी है? और वो वैद्य के पास पहुंचा, वैद्य जी बहुत पेट में तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है, बोले एक काम करो ना, तुम जरा सौंठ ले लो, हर ले लो, नमक ले लो, और जरा लगा करके, बोले ये तो हमारे घर धरे, अरे घर धरने से काम नहीं, खाए कहां तुमने, साहब सोड हरण नमक ये सब चीजें हमारे घर रखी थी तो हमारा घर क्यों नहीं मिटा, कि घर में रखी तो थी लेकिन चार तो करो, तूने उसका सेवन नहीं किया। ये प्रश्न उठा करके उत्तर दिया है समसार जीव टीका में पहले अधिकार में, आत्मा तो ज्ञान से तादात्म्य रूप है, अभिन्न है, ज्ञान मय है, ज्ञान घन है, ज्ञान स्वरूप है, तब फिर ज्ञान का सेवन करने का उपदेश क्यों देते हैं। तो ज्ञान मय है तो, लेकिन एक क्षण भी जीव ने ज्ञान मय समझा नहीं, एक क्षण भी इस जीव ने अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं किया, आत्मा अनुभव नहीं किया। आत्मा आनंद स्वरूप है तो साहब दुख क्यों है, सुखी क्यों नहीं होता, तो समझे आत्मा तब तो अपने को आत्मा समझता ही नहीं। ये जीव अपने को समझता तो शरीर है, आत्मा तो किसी और को समझता है।
मानो किसी और ही की बातें करता, पंडित टोटामल जी ने भूल में क्या लिखा, मानो किसी और ही की बातें करता है। बहुत लोग ऐसी, जीवन तो आपका है, तुम नहीं आ जाओ, रोकता कौन है, कौन रोकता है बता, आ जाओ ना फिर, आपकी तो आनंद है, कुछ विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, तो आ जाओ ना भैया, क्यों बड़े हो विकल्प चिंता में। अरे रे प्रभु, एक क्षण भी अपने को आत्मा साधन, साधन है तो साधन बनावे तब न। मेरे ज्ञान का, सुख का, प्रभुता का साधन मेरे अंतरंग में है, बदन कारण को अंतरंग कारण भी कहते हैं, कहते ना, निमित्त कारण को बहिरंग कारण कहते, ऐसी करण साधन, साधन में भी बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, तो अंतरंग साधन की चर्चा यहाँ की, निस्वभाव साधन द्वारा, अर्थात निस्वभाव की श्रद्धा ज्ञान ध्यान रूप साधन द्वारा, प्रवचन साजी में श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान रूप साधन द्वारा, अनुष्ठान विधान शब्द भी लिखा है, विधान अनुष्ठान ये सब चारित्र के अर्थ में लिखे हैं प्रवचन साजी ग्रंथ। आप अनुष्ठान को समझते हो वही बड़ा काम स्वाहा, अनुष्ठान मंत्र तंत्र कोई होता है उसको अनुष्ठान मानते, अरे भाई आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते अनुष्ठान है, अनुष्ठान शब्द का संस्कृत क्या अर्थ करोगे, अनुसरण करते हुए ठान स्थित हो जाना, फिर हो जाना, हो गया चार ठान शब्द आ गया ना, अपने स्वभाव को समझकर स्वभाव में फिर हो जाना, अनुष्ठान है, विधान है, विधि है, मोक्ष मार्ग की विधि, विधि है, विधि के विकल्प नहीं, इसका निषेध होता है विकारों का, लेकिन निषेध के विकल्प नहीं, विधि निषेध के विकल्प नाश को प्राप्त हो जाते, लेकिन विधि निषेध तो है, विधि निषेध के विकल्प नाश को प्राप्त हो जाते, विकल्प नहीं होते, लेकिन विधि निषेध देखो मोह की दशा है, जो साधन है उसे जानता नहीं है, और जिसे साधन मानता है वह तेरा साधन ही नहीं है, तेरे कार्य का साधन तेरे से बाहर कैसे, जिन साधनों को तू जुटाने में लगा है, जिन साधनों को के पीछे भगता है, वे साधन तो भगवंतों ने छोड़े हैं, जिन साधनों के को तू साधन मान रहा, सुख का साधन मानकर, हाँ ज्ञान का साधन मानकर, बल का साधन मानकर, सुख का प्रभुता का साधन मानकर छोड़े हैं, वो जुटाने में लगा है, उन्हें तो भी छोड़ा है, उन्होंने छोड़ा है, क्या मतलब अर्थ बोलो, ये साधन नहीं है, ये कहा, ये समझा है और यही कहा है, ये जगत के जीवो ये सुख के साधन नहीं है, विषय सुख के साधन नहीं है, ये सुख के ज्ञान के साधन नहीं है, उठना ये तुम्हारा ये बाहर का खान पान आदि की बल का साधन नहीं है, इनसे शरीर भी बलवान होने का नियम नहीं है, शारीरिक बल आत्मा का बल दोनों बल अलग है, अपने अनंत भगवान के 40 गुणों में दो बलों की चर्चा आई थी,
आती है दो बल, एक तो ये अनंत बल है अनंत वीर जिसको कहते हैं, और एक बल और है जन्म के दस अध्याय में अतुल बल है। जन्म दस अध्याय सहित अध्याय रूप सुगंध तन मैं पसीर पसीव निहार प्रियत बचन अतुल बल रुदिर स्वेत आकार। अतुल बल, अतुल बल आया ना, अतुल बल का तुम्हारे दृष्टांत भी पढ़ा होगा तुमने सभा में, श्री कृष्ण नेम कुमार वगैरह सब बैठे, चल गई चर्चा, चल गई चर्चा ही तो है। बलवान कौन, कौन ने कहा ये है, कौन ने कहा बलराम है, कौन ने कहा नारायण, इसने कही भैया तीर्थंकर नेम कुमार ऐसा बल तो किसी का नहीं है। अच्छा किसी का नहीं है, क्या मतलब आ गई वही नहीं बनी हुआ। तो अतुल बल जिस शंख को नारायण मुंह से फूके, हर को सुर से शंख बजाए ना से, वो सत्यभामा ने कह दिया था ना, व्यंग कर दिया था। कहने का मतलब वो अतुल बल शारीरिक बल की बात है, वो अनंत बल है ये आत्मिक बल की बात है। और इन दोनों बलों में भी एक बात और समझना, देखो व्यवहारिक दृष्टि से भी छद्मस्थ अवस्था में एक को कहते हैं आत्मबल या मनोबल भी कहते थे, और एक शारीरिक बल भी कहते, ठीक है ना। तो शारीरिक बल, शारीरिक दृष्टि से कोई बलवान हो और मनोबल बिल्कुल ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन मनोबल हो शारीरिक बल अपने आप आ जाता है, ध्यान रखना। मनोबल यदि न टूटे तो शरीर से भी नहीं टूटता है, और अगर शरीर मनोबल टूट जाए तो शरीर का बल भी कुछ काम नहीं रहता, देखा ढीला हो जाता है। शारीरिक बल की खुराक आप लोग रोटी दाल साग भात हैं, घी दूध मेवा मिष्ठान फल फ्रूट समझते हो, अरे शारीरिक बल का संबंध भी वो क्या नाम तुम्हारा संगनन होता है ना, नाम कर्म, नाम कर्म की प्रकृति है, है? मनोबल वचन बल काय बल वो है ना, तो ये बल की उसका संबंध उससे है मूर्ख में। अकेले भोजन से बल नहीं है, और दूसरा शब्द अगर आयुर्वेद में भी अपन बोले तो पौष्टिक आहार को पचाने के लिए भी तुम्हें ताकत चाहिए। एक वैद्य के पास एक रोगी पहुंचा, साहब ताकत की दवाई दो कमजोरी भर, बोले ताकत की दवाई पचाए लेकिन ताकत चाहिए पहले, पाचन ठीक करो पहले। अगर तुम्हारा पाचन शक्ति ठीक है तो जो तुम खाओगे उसी में से ताकत आएगी, और पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो जो तुम खाओगे पौष्टिक वो तुम्हें उल्टा हानिकारक हो जाए। सम्यक दर्शन होता है पाचक, ज्ञान प्रकाशक, चारित्र दायक। निष्भाव साधन द्वारा कहें या सम्यक दर्शन ज्ञान चार द्वारा कहें या श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान द्वारा कहें, एक समर निजरा द्वारा कहें, सब मुनि धर्म साधन द्वारा कहें, एक ही बात विविक्षा भेद है। ऐसा सुनकर के इति परिचित तत्व आत्मकाय एकताया नय विभिजन युक्त मुच्छादतायाम। आयर हाँ बोलना, हिंदी अर्थ बोलो, मिसाल गलत है। इस प्रकार जिन्हें तत्व का साक्षात परिचय हुआ है, स्वानुभवी जीव है, ज्ञानी धर्मात्मा है, उनके द्वारा
नव विभाग की युक्ति से देह और आत्मा की भिन्नता सिद्ध की है, दिखाई है। नव विभजन युक्त्या आत्म एकतायां, आत्मा और शरीर की एकता को नए विभाग की युक्ति से उखाड़ फेंका है। वो नए विभाग की युक्ति कुछ बताओगे समय सारणी के आधार से? परमार्थ का नया विभाग हो गया। नया विभाग समझ में आ गया कि देह और आत्मा को एक व्यवहार नय से ही कहा जाता है, इसलिए जो देहाश्रित स्तुतियां हैं वे व्यवहार से स्तुति कही है। परमार्थ से देखा जाए तो जितेंद्रियता और जित मोहता यही इन परमेश्वर की परमार्थ स्तुति निश्चय स्तुति है। उसके बाद ये कहा कलश, इस प्रकार नए विभाग की युक्ति से देह और आत्मा की एकता को उखाड़ फेंक दिया। अब कौन ऐसा होगा जो इस प्रकार समझाए जाने पर भी देह को एक मानता रहेगा? किसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित नहीं होगा ऐसा? भाई कोई अपन से भूल हो गई और किसी ने प्रमाण से युक्ति से तर्क से समझा दिया आपको और फिर भी नहीं माने तो कोई मूल ही तो होगा, मानी होगा मूल होगा। पंडित जयचंद जी ने बहुत सुंदर लिखा इस बार में, जैन धर्म के श्रद्धानी हटी नहीं होती, हटी नहीं होती। उन्हें कोई आगम प्रमाण से युक्ति से कोई बात बताए तो उन्हें अगर भूल अपनी है तो तुरंत स्वीकार करके दूर कर देते, हाँ तो हमारी भूल है। उसी शैली में यहां लगाओ, लगा दो। इस प्रकार निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का भाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। बात बाकी अभी आगे पढ़ना, वे अरहंत हैं। इस प्रकार के कथन को पढ़कर कौन ऐसा होगा जो बाहरी साधनों में ही उलझा रहेगा, बाहरी साधन को जुटाने में लगा रहेगा? अरे भाई तुम्हें जब जाना है तब देखो क्या भाई गाड़ी है नहीं है, जाना ही नहीं है तो हो पांच पांच मिनट में गाड़ी हमें कह लेने देने, हमें जाना ही नहीं है। तुम्हें पढ़ना हो घूमना हो देखना हो तो भैया लाइट चाहिए, अब हमें आत्म ध्यान है तो क्या चाहिए, हम क्या करने हो तो ठीक है नहीं हो तो ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें यही पता नहीं लाइट है दिन में कि नहीं, आज दिन भर लाइट नहीं, हमें नहीं मालूम, कहीं उन्हें पंखा चलाना नहीं और कुछ करना नहीं वो करना, तो क्या हमें मालूम ही नहीं लाइट है। अब लाइट का कोई काम हो तब तो उन्हें पता पड़े कि लाइट है कि नहीं, हमें क्या लेना देना। अरे रे बाह्य साधनों में भटक करके ये जीव संसार में भटकता है। जिस बल से कर्म ना से जाते हैं वह बल भीतर से आता है, और भीतर से माने आत्म स्वभाव के आश्रय से वो बल प्रकट होता है, वह तब शरीर के संगणन आदि भी स्वयं हो जाते हैं। यद्यपि बल की अपेक्षा कहें तो बोलना जो उनका मोक्ष होता है उनका वज्र सब नाराज संगणन होता है, वज्र सब नाराज संगणन ही होता है, कोई दूसरा संगणन नहीं। लेकिन वज्र सब नाराज संगणन से मोक्ष नहीं होता, वज्र सब नाराज संगणन से मोक्ष नहीं होता, मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है ना। जिनको मोक्ष होता है जो मनुष्य गति, वे मनुष्य गति के ही जीव होते हैं, परंतु मनुष्य गति से मोक्ष नहीं होता।
क्या कहा था याद है? एक बार देखो, अपने को मनुष्य मानने वाले मनुष्य भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते, और अपने को आत्मान भवने वाले चिड़ियन की भी अपने को देह रूप मानने वाले मनुष्य भी सम्यक्ति नहीं हो पाते, देव भी सम्यक्ति नहीं हो पाते, और अपने को देह से भिन्न आत्मा समझने वाले तिरियंच और नर ही सम्यक्ति हो जाते। बोलो है कि नहीं? जिनके शरीर में सरसों का दाना चुभता था उनमें इतनी शक्ति कहां से आ गई? कई दिन में अभ्यास करे थे उन्हें, अभी दीक्षा ली और अभी बैठे और इतनी शक्ति आ गई कि सियाली छूट छूट करके खाती रही, खून बहता रहा, और ऐसा नहीं एकदम खा गई हो एक एक ग्रास में, अरे 3 दिन तक और आसन चलायमान नहीं और वियोग चलायमान नहीं, तत्व चिंतन के बल से अपने स्वरूप में ऐसे रम गए। कल्पना कर सकते हो? अरे ये क्या करेंगे, यानी कि सरसों का दाना इतना सुकुमार शरीर है। अरे शरीर के आश्रय से नहीं होता मुख्य मार्ग, शरीर की ओर देखते तो ये दशा नहीं आ सकती। ये बल कहां से आया? कहां से आया? शरीर के भिन्न आत्मा के आश्रय से ये बल प्रकट हुआ, और शारीरिक बल भी बल के सदुपयोग से प्रकट होता है। ये कर्ण योग की शैली हम बोल रहे, बल के सदुपयोग से। शरीर का बल जितना है उस बल से कोई निर्बल को सतावे या विषयों में उस बल को लगावे तो बल क्षीण होता जाता है, और उस बल से आत्म साधना करे हैं, अच्छा कार्य करे, सत्कार्य करे तो वो बल बढ़ता जाता। ऐसा ही है, थोड़ा भी धन हो और उसका सदुपयोग करे, सदव्यापार में लगा दो बढ़ता है, और खोटे कार्य में लगा दो व्यसनों में तो खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस बात का ज्ञान का भी ऐसा ही है। निज स्वभाव साधन द्वारा हे भाई, निज के सन्मुख होकर के तुम ज्ञानी बनो, सुखी बनो। जब तक ये जी पर की ओर देखता है तब तक ज्ञानी नहीं होता, तब तक सुखी नहीं होता, तब तक बलवान नहीं होता, नहीं होता। बहुत कमजोरी है, क्यों? पर की ओर देख रहा है, क्या करें, हमें बहुत बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, क्यों? पर की ओर देख रहा है। एक बार भीतर देख करके कहा, बोलो ज्ञान है कि नहीं? हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बता, भीतर देख करके बोलो। कई बार भ्रांति हो जाती है, कोई सादगी से जीवन जीने वाले लोग होते हैं और खूब माया है, बड़े हैं लौकिक में, तो लोग उनको कहते कैसे बड़े आदमी, ये कछु नहीं है। लेकिन जब भीतर देखें तब पता पड़ता है, अरे वो दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? इतिहास का ही समझो, हाँ, शाह बादशाह का, पहले साहब पीछे बादशाह होते, गुजरात की बात। भैया साहब पहले बादशाह क्या कहते हो? कि हजूर पहले साहब पीछे बादशाह, नाम ही बादशाह, और समझ में भी आती है ना। देखो राजा के यहाँ कहाँ से आता है? आपके यहाँ पहले आता है तब तो राजा के यहाँ पहुंचता टैक्सी के रूप में। भाई राज खजाने में कहां से पहुंचता बता?
ऐसा तो है नहीं राज खजाने में कोई कमाई हो रही हो, खेती हो रही। राज खजाने में जो पहुंचता है यहां से वहां ट्रांसफर होता है ना, ऐसे ही तो पहुंचता है। पहले सा पीछे बादशाह। अच्छा, और संयोग की बोले सिद्ध करना पड़ेगा। बोले क्या है जा बुझे? अब वो तो भाट चारण था, चारण भाट बोलते। और संयोग की बात गुजरात में अकाल का प्रसंग मर गया, अकाल पड़ गया। सुराया के बैठा मीटिंग, बोले तो बुलाया उसको, ए भैया पहले साल पीछे बादशाह अपने साल लोगों से कहो कि एक साल का इंतजाम तुम करें पहले, हम बाद में करेंगे। हम तो बादशाह हैं, बाद में करेंगे। अपने साल लोगों से कहो, हाउ महाराज। तो ऐसे पहुंच गया वो और सबकी मीटिंग बुलाई। बोले भैया आज सवाल आएगा इज्जत को, हमारी गर्दन चली जाए बात, कोई चिंता नहीं, बात नहीं आने। बोले चलो अपन करते हैं। तो ऐसे मीटिंग बोले, बोले भैया बताओ क्या करना है। तो जी बोले एक दिन को हमारा लिख ले, एक दिन का इंतजाम हम करते हैं, एक दिन का हम करते हैं, उन्हें पांच दिन का हम करते हैं, उन्हें दो दिन का हम करते हैं, उन्हें दस दिन का हम करते हैं। 40-50 दिन हो गए, इतने से कहा और एक साल का इंतजाम। तो नहीं चलो अपन बाहर चलते। तो बैलगाड़ियों में बैठ करके पंच लोग अपने बाहर निकले, चंदा कर भी एक तरह को समझ लो। तो गांव की ओर से निकल रहे थे, उसने देखा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? गांव है अपनो, घर है, मंदिर है, दर्शन नहाओ धो दर्शन पूजन करो, आप लोग कब आते हो? भोजन करके तब जाइयो। अच्छा भैया तो ठीक है, टाइम हो ही रहो। तो नहाया धोया भोजन किया सब बढ़िया। बाखर बाखर बोलते हैं बड़े घर को, है तुम्हारी मंदिर घर में बाखर। तो बढ़िया बाखर भोजन करे। भोजन के बाद साहब कहा है हमसे जा रहे आप, हमें भी कोई सेवा लायक हमारे लायक हो तो हमें बोता। अबे तो मैं देख रहे थे बाहर की वो कची उभर के, बहुत बाहर की फिनिशिंग विनिशिंग तो थी नहीं गाँव में। तो बस में देख रहे थे। बोले भैया ठीक है ठीक है, तेरी भावना अच्छी है। अरे नहीं साहब हमारा कहीं मौका हमें भी देख साहब, आप लोग तो करते ही रहे। तो बोले तो ऐसी ऐसी बात है तो के पिताजी से पूछे न हम। तो पूछे भीतर पिताजी अपने परे थे भूल। बोले बेटा ऐसे दिन का बाद लिख दे 365 वो से कहा पूछे देखिए वन लिख दे 365 चढ़ा दे अपन चलना देखिए। बोली जी पावरों तो नहीं हो, गुजरात को पूरा इंतजाम है तो इसी तोड़ेंगे चाचे जन को खवाने पिवाने एक साल गुजरात। बोले घबरा मत हमारे साथ आप। तो भीतर बाकर से निकाल गया, तो भीतर बाकर में फिर पहुंचा। वो भीतर के बाकर के भीतर बड़ी चौक और उसमें तय खाने में अनाज की भी भरी और वहां सोना चांदी भर। और भैया भीतर से देखा भरोसा आ गया। बोली बात तो सर दिखाए तो ना दादा नहा दो रोटी खा लेता, अब क्या करना बाहर जा गया है। तो नहावा धोवा रोटी खा बस अब कपड़ा पहन के तैयार हो राजसभा में चलने जाओ। चलो पहुंचे कहो भाई इंतजाम हो गया। क्या इंतजाम साहब कहते हो? हमारा एक साल तो काफी है। एक बोले कैसी बातें करते हो? कौन है साहब जी? है हजूर सब प्रया का ही है, हमारा कुछ नहीं। अन्नदार है गाड़ियन में भेज भेज मंगवा और खूब बांटो सब जनो। एक साथ तो काफी, जैसे दुखी होने के लिए एक विकल्प बहुत है, जैसे दुखी होने के लिए रोने के लिए एक जीवन भर रोने के लिए एक भूल बहुत है। एक भूल काफी है उम्र भर रोलाने को, एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को। यश पाने को 100 जन्मों का समय नहीं, कुछ बदनामी को 1 मिनट की बात बहुत है। पूरी रास्ता सावधानी से चले आए और जरा ड्राइवर की ऐसी हुई उतनी देर में 1 सेकंड में एक्सीडेंट। एक अब क्या कैसे हो गया? वैसे तो साहब हम अच्छी तरह चले आ रहे थे, देखा तो भाग गए और नेक 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 करता है। एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को, एक विकल्प बहुत है दुखी होने के लिए।
ऐसे ही एक ज्ञायक भाव, अर्थ ज्ञायक भाव की मतलब क्या हुआ? ज्ञायक भाव का मतलब क्या? ज्ञायक भाव के अनुभवन रूप ज्ञायक भाव। है ना, बस काफी है, उसी से ज्ञान, उसी से दर्शन, उसी से सुख, अरे सर्वगुणों की प्राप्ति होती है। ये चार चतुष्टय तो घाती कर्म के अभाव की अपेक्षा से है ना, ये परम चतुष्ट सुगुण है अनंत भी। कहवत के 46 गुण गंभीर कहने के हैं, ये तो कह पाए हैं, बाद बाकी तो अनंत गुण, तो अनंत गुणों के लिए अलग अलग से करना पड़ेगा। जैसे सम्यक दर्शन के प्रसंग में, बस इतना ही कहेंगे, सम्यक दर्शन के प्रसंग में विचारना, एक एक भूल को एक एक क्रम से नहीं टालना पड़ेगा। एक मूल को पकड़ेगा, मूल तत्व को समझेगा, तो सारी भूलें अपने आप मिट जाएंगी। अच्छा एक बात बता, आत्मदृष्टि हुई तो आत्मदृष्टि होने पर फिर देव को भिन्नता करनी पड़ेगी, अलग से करनी पड़ेगी? जब आत्मा से अभिन्न होगा तो देव भिन्न भाषित होगी कि नहीं होगी? जब आत्मा से अभिन्न होगा तो कुछ सुख होगा कि कोरा होगा? सुख होगा कि नहीं होगा? उस सुख के सामने इंद्रिय सुख दुख भाषित होगा कि नहीं होगा, बोलो? और जब आत्मा के अनुभव से सुख हुआ तो आत्मानुभव सुख का कारण भाषित हुआ तो रागादिक भाव दुख के कारण भाषित होंगे कि नहीं होंगे? और जब परद्रव्य भिन्न भाषित हो गए तो परद्रव्य दुख के कारण सुख के कारण भाषित होंगे नहीं होंगे? परमेश्वर की कल्पना अपने आप विलय को प्राप्त होगी कि नहीं? पर मैं कर्तत्व तो, ममत्व छूट जाओ कर्तत्व तो रह जाएगा है? बताओ कौन सी भूल रह जाएगी, कौन सा दोष रह जाएगा? स्वरूप दृष्टि नहीं है तब तक मिथ्यात्व के साथ सारे दोष हैं, और स्वरूप दृष्टि होने पर जितनी अस्थिरता है उतना दोष है, और स्वरूप में स्थिरता होने पर पूर्ण निर्दोष। वो दोषों के अभाव की अपेक्षा, ये गुणों की अपेक्षा से कहो तो स्वरूप में अनंत गुण। श्रावक के गुण कितने होते हैं? श्रावक के गुण है आज अनंत, श्रावक के 8 मूल गुण, उत्तर गुण, और फिर उत्तर गुण। देखो भाई आत्मा अनंत है तो आत्मा की अनुभूति होने पर सर्व गुणान सम्यक होता है, बे अनंत गुण बढ़ते बढ़ते मुंडाज में और वृद्धिंगत हो गई और अनंत दशा में पूर्णता को प्राप्त हो गई, सिद्ध दशा में पूर्णता को प्राप्त। गुण तो अनंत हैं, लेकिन अनंत भी कहीं कहे जा सकते हैं? अनंत कहीं कहे थोड़ी आते हैं, अनंत तो अनंत हैं, लेकिन प्रयोजन पर की सिद्धि की अपेक्षा से ये 8 गुण कहे आते हैं। मूल गुण क्यों कहे आते हैं? मूल गुणों की परिभाषा करोगे श्रावक के 8 मूल गुणों की परिभाषा तो करना है? यहाँ गुण का क्या अर्थ होता है? कभी हमें दे गए मूलाचार का, हमें तुम्हें दे गए थे, लेकिन पढ़ के दे गए थे भैया, बताओ तो। गुण का अर्थ यहाँ होता है प्रधान आचरण, ठीक है ना? देखो मूल गुण क्यों, अब यहाँ इतना हमें एक शब्द और जोड़ना है, मूल का अर्थ सम्यक तो लेना चाहिए साथ में, मतलब भगवान की आज्ञा से भगवान ने इनमें त्रस्त जीवों का घात लिखा है, हैं जीवों की हिंसा कही है, इनमें परिणाम की क्रूरता कही है, धर्म प्राप्ति में बाधक कहा है, इसलिए भगवान की आज्ञा से पंच मध्यमास मधु पंचुदम्बर आदि फलों का त्याग करना ये मूल गुण कहा जाता है। भगवान की आज्ञा साथ में लेने, हमने एक दृष्टांत दिया था ना, बीमारी के भय से
या बाढ़ में पानी प्रदूषित हो गया अब उसे प्रासुक करके पी है तो ये मूल गुण नहीं हो गया पानी छानना। आज तो घर घर फिल्टर लगे हैं, फिल्टर का हिंदी क्या होती बता। और ये छन्ना तो इतना दोहरा है तुम्हारा, और फिल्टर का छन्ना तो कितने कितने पर्त हैं, लेकिन वह छानना केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, शरीर के मोह से है, उसमें जीव रक्षा का प्रयोजन नहीं है। इसलिए वो फिल्टर से पानी छानना वो सेवक का लक्षण नहीं है। दोहरे छन्ने से पानी छान कर जीवानी करना वो है तुम्हारा सेवक का लक्षण। सम्यक तो सही जो मुख्य आचरण है, जिसके बिना वो पद नहीं होता, वह मूल गुण कहलाता है। समझ में आया? और एक बहुत सुंदर चर्चा की हम बुला, जो मूल गुणों की उपेक्षा करते हुए उत्तर गुणों को पालन करता है किसी कारण से, वह अपने ये समझो एक और तलवार चल रही तो उंगली को बचाने के लिए सिर को कटाता। अरे उंगली ये कर जान दे, सिर बचा पहले। तो कौन ऐसा होगा बताओ? अब बाह्य साधनों में ही उपयोग लगाता रहेगा। भूदर को निकसे अब बार निज निरचु घर पायो, अब मेरे सम के सावन आयो। पंडित टोटरमल जी ने अनंत भगवान का अनंत चतुष्टय स्वरूप ही नहीं बताया, उसको प्राप्त करने की विधि भी बताई, निधि प्राप्त की प्रभु सहज विधि बताई। उसे प्राप्त कर, उसे समझकर बाहर में अपना उपयोग भ्रमाना छोड़ो और अपने उपयोग को समेटो। समेटो सुरक्षा के लिए समेटना होता है, फैलाना नहीं। सुरक्षा के लिए समेटा जाता है, फैलाया नहीं जाता। शांतता के लिए समेटा जाता है, फैलाया नहीं जाता। लेकिन क्या समेटते हो और क्या फैलाते हो? केवल बाहर। अरे अपने उपयोग को समेटो। दृष्टि समेटना ये सम्यक दर्शन, और उपयोग का समेटना ये सम्यक चारित्र। जहां उपयोग अपने स्वरूप में रमता है, अनंत चतुष्टय स्वयं एक प्रकट हो जाता है। जिसके आश्रय से अनंत ज्ञान होता है, उसके आश्रय से सम्यक ज्ञान नहीं होगा। अपना आत्मविश्वास मत खो बैठो, अपने को दीनहीन मत मान बैठो। भीतर देख के कहो कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। बता भीतर देख के कहना, केवल ऊपर से मत कहो, भीतर से देख के कहो किसके पास कुछ नहीं। सबकी गड्डी लाल है, लाल बिना नहीं कोई। बनो फिरे कंगाल क्योंकि लाल उसका खो गया। ये नहीं लिखा, क्या लिखा है? गांठ खोल देख ही नहीं। अब वो गांठ खोलने का समय है विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अभी